सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट बॉलीवुड वीडियो देखने के लिए। जाओ, एक मिनट, बोलता। जाओ, स्लोली, पुल बैक, गो, करें, ओके। कौन सा लेना है अभी बताओ? सर फाल्गुनी जब आती है। हाँ, यार ये वहाँ से फिल्म है। आओ फाल्गुनी। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? मैं डर गई थी ना। बोल, तुम बोल कौन सा है? देखो बेटा,
कट हाँ ये चली गई एंड ये रो रहे हैं I'm out, sir. हाँ अभी भी आउट हूँ बोलेंगे यहाँ पे आप लोग सब खड़े हुए देखा वहां पे उनका कुछ चल रहा है माला वाला रखा है उतना ही चल के आई बोलता हूँ सामने देखो बैठी हुई है उधर फोटो लगी है माँ की बीवी की और वहां से उत्तरा जी खड़ी हुई चल के आई पैन कीजिए आइए थोड़ा कॉपर कीजिए जयंत जी पे पुशअप निकलिए जैन जी आगे सुयश निकलो विधान तो करो करो मैम निकलो बाकी लोग आइए नहीं 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 सबको होगा भैया एंड एक्शन निकलते जाइए हो गया हो गया हो गया हो गया लास्ट निकले रूम रिएक्शन चेंज करो जी सब हो गया अभी कटी कौन आया साथ में बहुत इमोशनल हो रहे हो आंसू आ रहे हैं नहीं देखा जा रहा है फोटो रोने लगे विधान जाओ यार कितने लोग हैं यार ऐसे कम से लग रहे थे वरना जाइए किधर जाओ थोड़ा जी जाइए नहीं नियति तुम पकड़े रखो छुड़ा के जाएंगे हाइट लो देखा लाल नीला गुलाबी
थोड़ा लेफ्ट सुयश पीछे हाँ थोड़ी गैस आप पीछे पागल हो या क्या माँ की फोटो से माला क्यों पाली बात नहीं है इसे यहाँ से निकालो चुप ऐसा कुछ बोलना उसके बाद भूल लेते हैं थोड़ी मिनट एक्शन बहुत बुरा है बहुत गंदा इसे यहाँ से निकाल दो चुप रोनी रोनी मुझे समझना चाहिए कि पालूनी के हाल गलत ठीक नहीं थोड़ा दूर बना दे निकाल दो इसे वो तरफ निकाल दो मैं इसे माँ यहाँ से बहुत बुरा है कराओ थोड़ा राइट होके करना राइट होके राइट राइट और राइट और राइट हाँ हाँ यहाँ पे रोलिंग करने एक्शन जाओ नियति ये चिपकाओ जाके वो माला को सुयश वहाँ यहाँ जाके वो साइड में जाके खड़े हो जाना बाहर है सुयश वहां पे आके तुम पहले बार सुयश रो पड़ा विधान और नियति जाओ सुयश के पास लवली ऑपरेटिंग यार ओके ऑर्डर ए लाइट क्या ऑफ हो गया लाखों में एक अमनेसिया का ऐसा केस होता है जो रेयर होने के साथ साथ बड़ा ही खतरनाक होता है तो आप लोग फाल्गुनी को ठीक करने फाल्गुनी को ठीक करने की कोशिश में उन्हें एक साथ बहुत सारी बातें याद मत दिलाइएगा नहीं तो उनके दिमाग का नस पड़ सकता है तुम से जरा बात रोलिंग एक्शन मिसेस रावत अगर वो आपको अपनी माँ समझती है तो समझने दीजिए ना क्योंकि फाल्गुनी किसी दवाई से नहीं प्यार और अपनेपन से ही ठीक होगी रोलिंग एक्शन आपको अपनी माँ समझती है तो समझने दीजिए ना और वैसे भी फाल्गुनी दवाई से नहीं प्यार और अपनेपन से ठीक होगी उनको याद दिलाने की कोशिश करते उनके दिमाग पर जोर डालते उनके जिंदगी खतरे में मत डालिएगा चलो ना माँ घर चलें चलो घर देखा इधर से सुयश आया सुयश ने बोला ये क्या हो गया तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो फालूनी सुयश आई नियति नियति हो सुयश कैमरा पीछे नहीं हो रहा हो जी कैसे बात कर रहे हो फाल्गुनी राइटर रहिएगा आप क्या हो
कैसे बात कर रहे हो? एक मिनट थोड़ा लगता जाइए दोनों। मुझे माँ के पास रहना है, ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, इन्हें डांट लगाओ। मुझे नहीं, मुझे माँ के पास रहना है ना। देखा इधर डॉक्टर आए, ये क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो हमारी नन्ही परी को? इसे अपनी माँ के पास रहना है ना, तो रहने दो, सब जाओ यहाँ से। डॉक्टर की क्यों से रोल गया है? इसे अपनी माँ के पास रहना है ना, तो रहने दो, सब जाओ यहाँ से। अच्छा बेटा ये लो तुम्हारी चॉकलेट। हाँ अब बताओ तुम इसे किसके साथ बांटोगी? सुयश आप ही खड़े हुए आओ, दूसरा कैमरा रोल। धीरे धीरे होश आया जो आते। मैम एक बार ना बोल के मत खास्ते निकल जाओ। और ये आगे बढ़े सुयश, तुम दूसरे कैमरे में लो। हाँ जय जी आ जाओ, कट। एक्शन। देखा उत्तरा जी गई उठ के, और ये फाल्गुनी आवाज आई, रुको सॉरी सर। एक्शन, रुको। इमोशनल आगे बढ़ने हुए, और देखा ये उठी जाओ। ब्लॉक ओपन एंड एक्शन। ये जाने के बाद सर इधर लुक, ये लुक का। हाँ गई और जाके ब्लॉक ओपन हक कर ली एंड एक्शन। हम यहाँ क्यों हैं माँ? जो इमोशनल हो गया और टेंशन एंड एक्शन। हम यहाँ क्यों हैं माँ? जो लुक एक्सचेंज आपस में, पैन जेएनजी पे जो हम यहाँ क्यों हैं माँ? जो देखा आपने सुयश को, पैन समझ नहीं आया सुयश? क्वेश्चन मार्क, बहुत क्वेश्चन मार्क। कंटिन्यू। आप कहाँ जा रहे थे? मुझे छोड़ के जा रहे थे? मोर सरप्राइज। कंटिन्यू। नहीं माँ, देखा जैसे नियति और विधान गया है, मुझे छोड़ के नहीं जाना, मुझे ले चलो यहाँ से, चलो मुझे घर जाना है और अभी जाना है। और देखा उसने बोला हम यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? चलो ना यहाँ से, मुझे इस कमरे में नहीं रहना, घर चलो ना। ये जगह कितनी गंदी है, कैसी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे से। सरप्राइज आपस में लोग एक्सचेंज कर रहे हो, हाथ में ठंडे पड़ रहे हैं, ये क्या हो गया एकदम से? कोई सवाल का जवाब नहीं है। कंटिन्यू एक्शन। आप आगे बढ़े
आप भी आगे बढ़े देन जी, थर्ड एड। हाँ अभी ये बेड पे आई वहां से, भगवान कोई जवाब नहीं है। पटे में आप पर वो मुझे माँ बोल रही है। हम सबके मन में ऐसी खाली जगह जरूर होती है, एक ऐसे इंसान की कमी जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। मन के एक हिस्से में वो खाली जगह एक खाली फ्रेम की तरह बन जाती है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। ऐसी दिमागी बीमारी में दिमाग मन के उन खाली खांचों में तस्वीरें भरने लगता है। फाल्गुनी के दिमाग ने भी वही किया है। क्या उसने अपनी माँ को बहुत बचपन में खो दिया था? हाँ डॉक्टर साहब, वो जीजी माँ तब सिर्फ 12 साल की थी। उसकी जिंदगी में माँ की कमी थी जिसे कोई पूरा नहीं कर पाया। वो खाली खांचा दर्द की वजह बना हुआ था और इस हादसे के कारण वो दर्द फिर से उभर कर दिमाग के उस खाली खांचे में माँ की तस्वीर रखती। होश आने पर उन्हें एक आंख ही दिखी थी जो उसे माँ जैसी लगी थी, तो उसने आपको अपनी माँ समझ लिया। अब वो एक छोटी सी बच्ची जिसकी नजर में आप उसकी मां। डॉक्टर ने बोला लाभ भी होता है। फाल्गुनी को ठीक करने की कोशिश में अगर आपने उसे एक साथ बहुत कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो उसके दिमाग की नस भी फट सकती है। टेंशन बोली ना ओ तो मिसेज रावत, तो मिसेज रावत अगर वो आपको अपनी मां मानती है तो माने दीजिए, क्योंकि फाल्गुनी किसी दवाई से नहीं प्यार और अपनेपन से ठीक होगी। इन्हें याद दिलाने की कोशिश करके इनके दिमाग पे जोर डाल के इनकी जिंदगी खतरे में मत डालिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस बात का ख्याल रखेंगे, फाल्गुनी का भी ख्याल रखेंगे। दिखाओ तो नियति गिरी हुई रोने लगी उधर, और उत्तरा जी ने बोला मत रो नियति बेटा, तुमने सुना ना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कंफ्यूज हो? नहीं नर्स, सर नर्स आकर के इनको इंजेक्शन देती है। सर नर्स आ रही है जल्दी। क्या कर रहे हैं माँ? माँ देखो नहीं क्या कर रही है। ये लगाया इंजेक्शन लग गया नर्स निकल जाओ कंटिन्यू सर, टर्न हो जाइए। हाँ रोलिंग एंड एक्शन जूम इधर देना उत्तरा जी पे। हाँ ओके मैम, थोड़ा लुक फिट करना एक्शन। डॉक्टर साहब ये सब क्या? पिछले महीने का सर उनके ब्रेन के नर्व पर हुआ है, तो एक खास और बड़ा पेचीदा केस हो गया। ये एक प्रकार का रेट्रोग्रेड एमनेसिया है जिसके चलते फाल्गुनी एक 5 साल की बच्ची बन गई। लेकिन ये मुझे माँ क्यों बोल रही है? हम सब के मन में ऐसी खाली जगह होती है, एक ऐसे इंसान की कमी जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। मन के एक हिस्से में वो खाली जगह एक खाली फ्रेम की तरह बन थोड़ा लुक फिट कीजिए। मेरा प्यार ही उसके लिए दवा होगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं फाल्गुनी का ख्याल रखूंगी। रोलिंग हर बार देखते हैं फाल्गुनी पे कुछ ना कुछ मुसीबत आ जा रही, इस बार क्या आई है? कैड आ गया इस बार, किसी ने कुछ नहीं किया है।
मेरी सासू माँ ने भी कुछ नहीं किया इसमें, ये सिर्फ भगवान का खेल है जिन्होंने मुझ पर बिजली गिरा दी है और बिजली से मेरे दिमाग में असर पड़ गया और मैं 5 साल की बच्ची बन गई हूँ। तो हाँ, नाउ आई एम अ किड। हेलो। तो क्या हो रहा था अभी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में यही हो रहा था, अभी उत्तरा देवी को पता है कि जब ये उठ जाएगी तो मेरी सारी पोल खोल देगी, तो जैसे ही मैं उठती हूँ उनको देखती हूँ तो वो बहुत घबरा जाती हैं और वो उठ के जाने लगती हैं, और जैसे ही वो जाती हैं मैं पीछे से आवाज़ लगाती हूँ रुको, बहुत घबरा जाती है। सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं होश में आ गई, लेकिन मैं पीछे से जाती हूँ उनको हक कर लेती पीछे से और बोलती हूँ माँ, और बच्चों की तरह बोलती हूँ पूरा कहाँ जा रहे थे मेरे को छोड़ के ऐसे ऐसे करके, तो सब लोग बहुत हैरान हो गए, शौक हो गए ये हुआ क्या है। डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि भाई ये बच्ची बन चुकी है, तो मतलब उत्तरा देवी रिलीव्ड है कि अब ये कुछ नहीं बता पाएगी। नियति शॉक्ड है, सब शॉक्ड हैं उत्तरा देवी को छोड़ के, उत्तरा देवी बस है कि खुश है कि अच्छा ठीक है चलो अच्छा, बच्ची बन गई। अभी अभी तो फाल्गुनी और सुयश का अभी प्यार तो अभी स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन ये फिर से एक नई मुसीबत आ गई फाल्गुनी। हाँ बेचारे सुयश, भगवान भी नहीं चाहते, फाल्गुनी का प्यार है ही नहीं। हाँ, तो जब भी थोड़ा सा भी प्यार होता है इनके बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हाँ इस बार यही है, अभी देखते हैं वो कैसे केयर करते हैं फाल्गुनी जी, क्योंकि अभी फाल्गुनी सिर्फ उत्तरा देवी को पसंद करती है, उत्तरा देवी को माँ समझती है, और ये दोनों आते हैं मुझे कहने के लिए कि क्या हुआ आपको ये, तो मैं झटक देती हूँ उनको, बोलती हूँ दूर रहो मुझसे गंदे बच्चे हो तुम, दूर रहो मुझसे। अच्छा, पसंद ही नहीं कर रही हूँ। हाउ इज इट गोइंग प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ किड? दिस इज माय फर्स्ट डे, फर्स्ट शॉट था हमारा, फर्स्ट ही सीन था इसमें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप सबको भी अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आई होप कि ये चलता रहे और आप लोग पसंद करते रहे इसे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, I'm out, sir? हाँ, अभी भी आउट हूँ? हाँ, अभी फील्ड है। ये फील्ड है? हाँ। और यहाँ के आप लोग सब खड़े हुए हैं, देखा वहां भी उधर कुछ चल रहा है, माला वाला रखा है, उतना ही चल के आई आइए उतना जी। आप खड़े हुए उत्तरा जी, बोलता हूँ सामने देखो बैठी हुई है, अगर फोटो लगी है माँ की, बीवी की, और